सबसे पहले तो मैं कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। कल उन्होंने जो बम्पर वोटिंग यहाँ पर की, उन्होंने एक बड़ा संदेश आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, पाकिस्तान को, हुर्रियत को और दुनिया को दे दिया है कि वो शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं, और यही हमारा मेन मुद्दा है। मैनिफेस्टो में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ को पत्थरबाजी से निजात देनी, आतंकवाद से निजात दिलवानी, अलगाववाद से निजात दिलवानी, यहाँ पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, जिसको कल कश्मीर की जनता ने भी इंडोर्स किया है। उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर हम 70,000 नौकरी, जम्मू कश्मीर के अंदर युवाओं को हम 70,000 नौकरी देने वाले हैं। यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, प्राइवेट सेक्टर यहाँ लाकर उनको एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर आकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़ा बड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल्स यहाँ पर खुलेंगे, और उसके साथ साथ कश्मीर का खोया हुआ खजाना 70 सालों में गुप्कार गैंग ने यहाँ टूरिज्म ख़त्म कर दिया, उसको वापस हम टूरिज्म यहाँ पर लाएंगे। यहाँ से शिकारे चलेंगे, यहाँ के होटल के अंदर टूरिस्ट आएगा, दुनिया के अंदर जब भी कोई परिवार बैठेगा और छुट्टियों के अंदर कि भाई हमने टूरिज्म के टूरिस्ट घूमने के लिए कहीं जाना है, तो ग्लोब के अंदर उनकी उंगली जो है कश्मीर के अंदर जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है, और उसी सपने को लेकर आज विजन डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर रिलीज़ किया है। आप देखें, एक दौर तक कश्मीर के अंदर हम बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड की वो फिल्म अधूरी रहती थी जिसकी शूटिंग कश्मीर के अंदर नहीं होती थी। आज हमारा वादा है कि दोबारा से हम यहाँ पर शांति लाने के बाद यहाँ पर दोबारा से बॉलीवुड आएगा, दोबारा से यहाँ पर डल लेक खिलेगी, यहाँ के पहलगाम और गुलमर्ग के अंदर टूरिस्ट आएगा, यहाँ का पश्मीना देश और दुनिया के अंदर उड़ेगा, खिलेगा, उड़ा जाएगा। यहाँ का, यहाँ के केसर से पूरे देश को केसरिया रंग में रंगा जाएगा। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि DDC के चुनाव होना ही हमारा एक बड़ी बात है। ये 370 और 35 से हटने के बाद यहाँ पर एक डेमोक्रेसी निचले सतह तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है, और उसमें ये DDC के चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ अब्दुल्ला परिवार ने एक बड़ा वादा हमने ये किया है, यहाँ डायनेस्टी रूलर्स ने यहाँ पर जो इंक्रोचर के तौर पर यहाँ गिने जा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ लाखों लाख के नाल जमीन जो है इंक्रोच करवाई और खुद भी किया है, इंक्रोचर्स को यहाँ से निकाला जाएगा और ये जम्मू कश्मीर की प्राप्ति वापस जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले की जाएगी।